नमस्कार, मैं उत्पल पगाक। आज मैं अभिज्ञानम नाट्य मंडली में आया हुआ है। भारत का सर्वश्रेष्ठ रंगकर्मियों में से एक है, वो है कलकत्ता के निवासी मूल निवासी प्रबीर गुहा सर आया हुआ है। प्रबीर गुहा साहब सर से हम कुछ बात करेंगे अपना जीवन के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आपसे पहले मैं बात जानना चाहूँगी कि आपका जीवन परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। In the year 1947, 5th May, I born in the then is Pakistan, now it is Bangladesh. So after my 4 years, I migrated from there to India. And तब से इधर ही हूँ, तब से काम कर रहा हूँ, कब से छोटा था बस। ये चलते चलते मुझे एक समय लगा जो मुझे थिएटर करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अंदर इतना परेशानी है, इतना दुख है, इतना कष्ट है। आई वॉन्ट टू से ऑन बिहाफ ऑफ देम समथिंग, आई वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ द वॉयसलेस पीपल। ये कैसे हो सकते? तब मैंने सोचा सबसे आसान तरीका है थिएटर करना। थिएटर से मैं उनको समझ सकते, जो कुछ मेरा मन में है मैं बोल सकते सब कुछ। थिएटर करने करते करते मैंने सीखना शुरू किया। मैं समझा जो थिएटर करना इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी मेहनत है, बहुत चिंता है, बहुत भावना है। कहाँ कहाँ समाज भटक रहा है, समाज किससे जूझ रहा है, लड़ रहा है किससे, कैसे उसको हम लोग हल कर सके, ये सब समझते समझते करते करते मेरा थिएटर एक नया दिशा लेना शुरू किया। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ मैं थिएटर करता हूँ वो लोग एकदम सीधा साधा लोग है, जिनके पास कभी थिएटर का ज्ञान कभी नहीं था, कभी थिएटर किया नहीं, बहुत गरीब घर से आए हैं ये सब लोग। तो ये सब लोगों को लेकर थिएटर करना एक जगह में बहुत ठीक है, क्योंकि हम जिनको लिए नाटक कर रहे हैं उनको लिए बहुत अच्छा काम होता है। और दूसरा जगह में मुश्किल होता है कि इनके पास कोई तो ट्रेनिंग नहीं है, सो कॉल्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो हम लोग एक ट्रेनिंग डिवाइस कर लिया जो कैसे उनको ट्रेन किया जाएगा। तो हम लोग को भारत का जो जितना मार्शल आर्ट है, एशियन मार्शल आर्ट जितना है, उसमें कुछ कुछ चुन लिया, फिर कुछ फोक फॉर्म्स चुन लिया, उनको सब सिखाया। आज तक हम लोग मानते हैं जो एशिया का जो ट्रेडिशंस है वही ट्रेडिशंस ही हमारा नाटक का उपादान हो सकते। वो विदेश से जो साहब लोग सिखा रहे वो हमारा थिएटर नहीं बन सकते। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो सिखाते हैं वो हमारा थिएटर नहीं है। हमारा थिएटर हमें खुद समझना होगा, खुद बनाना होगा। और वो थिएटर का जड़ है हमारा संस्कृति में, हमारा परम्परा में, उधर से लेना है और धीरे धीरे उसको एक नए रूप देकर आज का समाज आज का समय के अनुसार एक रूप देना पड़ेगा। तो इससे मेरा थिएटर चल रहा है, वो चेंज कर रहा है, समाज भी बदल रहा है, समय बदल रहा है, मेरा थिएटर भी बदल रहा है, बदलते रहेगा। अगर जब ये नहीं बदलेगा तब मैं थिएटर छोड़ कर चला जाऊँगा, तब सिनेमा बन गया। एक बार फिल्म बना लिया, बदलने का कोई और तुम्हारा संभावना है नहीं। तो थिएटर में एक खूबी है, तुम हर समय चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो समय के अनुसार वो चेंज होते जाता है बस। आपको ट्रेनिंग का कभी ज़रूरत पड़ा है कि आपका जीवन में कुछ थिएटर में आने आते समय? हाँ, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं मान के चलता हूँ। लेकिन पहले जो ट्रेनिंग लिया वो मेरा बर्बादी के लिए था, लेकिन वो ट्रेनिंग होने के बाद मैंने समझा कि वो ट्रेनिंग काम नहीं करता। वो अच्छा है ट्रेनिंग, ऐसे नहीं है वो ख़राब ट्रेनिंग था। सब बड़े बड़े साहब लोगों का ट्रेनिंग, जैसे मान लो ग्रोटोव्स्की का ट्रेनिंग, पीटर ब्रूक का ट्रेनिंग, यूजेनियो बारबा का ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग अच्छा था। लेकिन उनका संस्कृति के अनुसार, उनका जलवायु के अनुसार वो ट्रेनिंग तैयार हुआ, उनके बॉडी के अनुसार वो ट्रेनिंग तैयार हुआ, तो उनका लिए वो जगह के लिए वो ठीक था। लेकिन मेरा तो कम्प्लीटली उल्टा है ना। थिएटर इज़ वेरी मच रीजन स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक, फूड हैबिट स्पेसिफिक, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। तो हमारा जो जिस जैसा संस्कृति है, जैसा क्लाइमेट है, वेदर है, मेरा बॉडी जैसा है, उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे हमारा जो एक्सरसाइज पैटर्न हो, बदलते बदलते हम लोग एक नया सीरीज बनाया है एक्सरसाइज को, जो हमारा अपना एक्सरसाइज है, किसी के साथ नहीं मिलेगा जुलेगा। फिर हम जैसे थिएटर करते हैं, जैसे हम लोग बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, लोग बोलते हैं साइकोफिजिकल थिएटर, आई डू एग्री, मेरा कोई ये भी नहीं है। तो वो जो थिएटर डेवलप्ड हुआ, जैसे हम थिएटर करते हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ, वो कहाँ नहीं कहीं नहीं मिलेगा, वो मेरा थिएटर में मिलेगा, मेरे बच्चे ही कर पाते हो बस। सही बात। और आप थिएटर से आने से पहले कोई नौकरी में भी आप? मेरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी था, थिएटर आने का पहले नहीं, थिएटर के साथ कर रहा था। लेकिन एक समय मुझे सिद्धांत लेना पड़ा कि मैं क्या करे।
अच्छा नौकरी करे, अच्छा कमाए, ना कि थिएटर के जीवन चुन ले और एक चैलेंज में संतरण शुरू करे। तब मैंने दूसरा रास्ता सोच लिया, जो थिएटर का मतलब ही है संग्राम, एक लड़ाई है, वो लड़ाई तुम अपना जीवन में नहीं समझोगे तो थिएटर कर नहीं पाओगे। तब मैं नौकरी छोड़ दिया, इनकार कर दिया, मैं ज्वाइन किया थिएटर में, तब से मैं थिएटर में हूँ। आप अभी तक मतलब कितना देशों में आपका नाटक आप प्रस्तुति? अनगिनत। अच्छा, अनगिनत बहुत ही है ये मान के चलते हैं। वैसे मतलब मैंने सुनने में आया कि आपका आप जापान में भी बहुत ही प्रदर्शन करके आए, किस नाटक लेके आप जापान गए थे? वो तृतीय युद्ध नाम का एक नाटक था, थर्ड वार, उसको लेके गया। तो उसका तो कुछ कहानी या उसका मेरा नाटक में कोई कहानी नहीं होता, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक इमेज बनता उसका। थर्ड वॉर था वॉर के अगेंस्ट में, बस ये था उसका सब्जेक्ट। और वॉर का मतलब है दो देश का वॉर नहीं है, वॉर हो रहा है जो जो कल्चरल एग्रेशन जो हो रहा है, इंपीरियलिज्म को जो एग्रेशन हो रहा है, कैपिटलिज्म को जो एग्रेशन हो रहा है, उसको मैंने बोला थर्ड वॉर। और मैंने बोला थर्ड वॉर वर्ल्ड वॉर और जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर किस लिए होता है? एक देश को कब्जा करने के लिए, तो तुम्हारा कैपिटल को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो तभी उस ढंग से हो रहा है, तो बेकार वो सब। तुम्हारा युद्ध जरूरी नहीं है, यही युद्ध है अभी, इसे सब्जेक्ट था। अच्छा, अधिकतर आपका नाटक में ज़्यादा शारीरिक में होता है? हाँ, पूरा का प्रमाण। हाँ 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 हाँ, हम लोग समझते हैं शरीर बिना कुछ नहीं है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे मतलब आपका जो मतलब लेस वर्बल मोर फिजिकल। और आपका नाटक ग्रुप का नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव लिविंग थिएटर। अच्छा, आप हबीब तनवीर साहब से मुलाकात हुई थी? हाँ, मुझे बेटा मानते थे एकदम, बहुत करीब था मैं। अच्छा, उनके साथ मैंने मुझे मैं जो ये बनाया सेंटर बनाया मेरा मध्यम ग्राम में, वो सेंटर का इनॉग्रेशन हबीब दाई किया। अच्छा, मतलब आप चाहते थे वो हबीब दाई ने इनॉग्रेशन, हबीब साहब ने इनॉग्रेशन करना चाहिए? हाँ, मैंने चाह मैंने बोला ये मेरा जो स्पेस बना, इसको इनॉग्रेशन आपको हाथों का दरा ही होना चाहिए, नहीं तो मेरा मन ठीक नहीं रखेगा। तो मान लिया, बोला मैं आ रहा हूँ, कर दूँगा, आए थे बस। और आपको क्या लगता है कि मतलब अभी नाट्य शास्त्र से लोग करता है और बहुत चीज़ें हैं मतलब अभी कोई चीज़ देखो एक जैसा है ही नहीं है, हमारा हिमालय पर्वत भी एक जैसा है नहीं और बदलते रहता है, समुंदर भी एक जैसा है नहीं बदलते रहता है, तो नाट्यशास्त्र एक जैसा कैसे रहेगा? उनको भी तो बदलना चाहिए। नाट्यशास्त्र मैं नहीं मानता कोई एक मुनि ऋषि ने लिखा, वो भी एक भाव रस ताल ये मिलकर हुआ भरतनाट्यशास्त्र, तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस लेकर एक किताब खड़ा किया। उस समय के लिए किताब ठीक था, समय तो बदल गया, अब आज का अनुसार बदलना पड़ेगा। कुछ कुछ खास चीज़ है वो रह जाता, जैसे सूरज हर समय पूर्व दिख से ही उगता है, पश्चिम में ढलता है, ये जैसे इसका कोई इधर उधर नहीं होगा, उसमें जैसे बेसिक्स जो है बेसिक्स ठीक ही है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन आगे आज बहुत बदलना पड़ेगा। यू नीड टू चैलेंज भरतनाट्यशास्त्र नाउ, अदरवाइज यू कैनॉट गो फॉरवर्ड। इसका मतलब आप जनरेशन का वाइज मतलब आपको टाइम 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 आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम टाइम एंड स्पेस, टाइम और स्पेस को बहुत ही ध्यान महत्वपूर्ण रखते हैं। चल ठीक है, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं आज ये सर्वश्रेष्ठ नाटककारों के साथ आपको उसका एक्सपीरियंस सुन के मज़ा आया और आप सब यही, थैंक यू, दबा दो।